शहर के काली मंडल स्थित निजी होटल सभागार में सोमवार देर शाम को मधुपुर प्रेस क्लब के द्वारा निवर्तमान SDPO सुमित सौरभ लकड़ा को समारोह पूर्वक भावपूर्ण विदाई दी गई। इस दौरान कार्यपालक दंडाधिकारी विनय कुमार पांडे, अंचलाधिकारी यामन रविदास, अंचल पुलिस निरीक्षक अवधेश कुमार, इंस्पेक्टर इंचार्ज थाना मधुपुर, थाना प्रभारी त्रिलोचन तामशोय व पुलिस पदाधिकारी रामदयाल मुंडा ने निवर्तमान SDPO को माला पहनाकर विदाई दी। उपस्थित अतिथियों के द्वारा एक स्वर में उनके अल्प कार्यकाल की सराहना की गई। उपस्थित वक्ताओं ने उनके कार्यकाल पर अल्प समय में किए गए कई कार्यों को अपने अपने विचार रखे, जबकि मन संचालन पत्रकार रामचंद्र झा ने किया। इस मौके पर मधुपुर महाविद्यालय के प्रोफेसर प्रेम रोशन एक्का, प्रोफेसर अनीता गुआ हेमब्रम, प्रोफेसर रंजीत कुमार प्रसाद, संजय शर्मा, कन्हैयालाल कन्नू, सुशील सिंह, गुफरान जाफरी, अंकित लक्ष्मीराम का, शेखर लक्ष्मीराम का, प्रसाद चटर्जी, मोहम्मद चांद समेत पत्रकार प्रिंस अहमद, बलराम भैया, महेश मिश्रा, राजेश राम, अजीत आनंद, अवधेश सिंह, अर्षद मधुपुरी, अजय तिवारी, गौरव जायसवाल, अरूप गांगुली, मोहम्मद असलम आदि लोग उपस्थित थे। विनोद रवानी जी जा रहे थे तो उन्हीं के साथ आपसे पैगाम मिले थे। उस दिन भी मुझे लगा था कि आप काफी शांत स्वभाव के इंसान हैं और जैसा कि लोगों से सुना, पत्रकारों से सुना और जितना विभिन्न स्रोतों से आपके बारे में जाना मैंने, निश्चित रूप से आज के इस युग में आप जैसे पदाधिकारी इस धरती पर मौजूद हैं, सचमुच सर आपको सैल्यूट है। ये कठिन धरती पे इस समय एक पुराना गीत याद आ रहा है सर, धरती पे आए हो तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है जहर तो पीना ही पड़ेगा। तो हमारे रोजमर्रे की जिंदगी में छोटे छोटे घूंट की जहर आता है, पीना पड़ता है और कभी कभी ऐसे आपके जैसे पदाधिकारी को स्वयं भगवान शंकर होके जहर भी पीना पड़ता है। और आज मधुपुर की धरती पे ये इतिहास लिख के चल गया, इसके लिए हम सभी आपसे माफ़ी मांगते हैं और शर्मिंदा भी है कि आपके जैसे पदाधिकारी को हमारे शहर से दिशा और दशा को बदलने के जो प्रयास भगवान ने की थी वो कहीं ना कहीं अवरुद्ध हो गया। कुछ ऐसा काम कर जाते हैं जो जनता के दिलों में वो राज कर रहे हैं और दूसरा उनका ईमानदार होना। तो मैं साफ लफ्जों में ये जरूर कहूंगा कि आज कम समय में मधुपुर के SDPO को यहां से जाना पड़ा। सबसे बड़ी वजह इनकी ईमानदारी है, इनकी ईमानदारी ही कई लोगों को खल रही थी। मैं साफ शब्दों में ये कहूंगा कि बहुत लोगों को हजम नहीं हो रहा था। ऐसे ईमानदार अफसर अगर कुर्सी पे बैठ जाते हैं तो हर चीजों को बारीकी से समझते हैं, देखते हैं और बिना कुछ किए उनके कामों को निरंतर करते चले जाते हैं। जो इस देश में जो परंपरा व्यवस्था चल रही है उस व्यवस्था में कहीं खरा नहीं उतर रहा है। सेवा करने का आपको मौका मिलेगा क्योंकि आपने जिस मेहनत और लगन से काम किया है निश्चित रूप से दोबारा देवघर जिला के SP के रूप में हम लोगों के बीच होंगे और एक बार फिर देवघर की आप सेवा करेंगे। मैं एडिशन शब्दों के साथ ये कहूंगा कि जहां जाएगा रोशनी लुटाएगा किसी चराग का अपना कोई मका नहीं होता। ड्यूटी बनता है पत्रकारों का, समाज के चौथे स्तंभ है, आपको समाज को आईना दिखाना है और हर बुराइयों को समाज के सामने लाना है और अच्छाइयों के लिए भी आप लोग को आगे बढ़ के आना है। जो कदम आपने आज पहल किया उसके लिए आप तहदिल से शुक्रिया के हकदार हैं। सुमित सौरभ लकड़ा जी से बहुत अल्प कालखंड के लिए वो यहाँ रहे, मिलने जुलने का भी ज्यादा मौका नहीं मिला और ये एक अंतर्मुखी स्वभाव इंट्रोवर्ट किस्म के इंसान है। न तो मिलने जुलने का मौका मिलता है ना ऐसे व्यक्तित्व वाले लोग मिलने जुलने का ज्यादा मौका मुहैया भी कराते हैं, ये भी इनके स्वभाव की एक खासियत है। खैर, ये जिस गुणों की हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं निश्चित रूप से मैंने जो चीज को महसूस किया है और आज के इस
भौतिकवादी युग में जहां लोग मोर एंड मोर एंड मोर की लालसा में कहां जा रहे हैं और लास्ट में कहां चले जाते हैं और कितने रुपए नहीं बल्कि यह एक आप लोगों की द्वारा जो आयोजन किया गया है सम्मान समारोह है, इसलिए कि बार बार आप लोग कह रहे हैं कि हमारे लकड़ा साहब पुनः फिर देवघर के धरती पर विराजमान होंगे तो फिर विदाई किस बात की। बिल्कुल 5 महीने के कार्यकाल में जो एक दूसरे से इंटरेक्ट हम लोग होते आ रहे थे जो हुए वह वाकई हमारे एसडीपीओ साहब बहुत ही सरल स्वभाव के दिखते शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया था तो बार बार ये बात उभर के आ रही थी कि मधुपुर जो है मीठा शहर जैसा मीठा है और आज आप लोग जो ये इतने बढ़ाइयाँ लग रहे हैं मेरे, है ना, वो आपकी मधुरता को आपके आपके अंदर जो हानि है उसको उभार के दिखा रहा है। मुझे कितने आप लोगों को उनसे और मधुपुर के बारे में मुझे ज़्यादा पता नहीं था, तब मैं पहले तो एक आध बार यहाँ से जैसे भी मधुपुर का गाड़ी मेहमान होकर जाता था रांची में कुछ कार्यक्रम के लिए, अच्छा लगता था कि हाँ ये मधुपुर है, हमको पता भी नहीं था कि देवघर में, उतना हम रिसर्च भी नहीं किए थे कि कुछ बाद में जब पता चला कि यहाँ पे आए हैं तब फिर खैर आना तो था ही। यहाँ पर आने से आप लोगों से बहुत लोगों से मेरा परिचय नहीं हो पाया है, अरे बहुत कम लोग हैं जिनसे मैं मिला हूँ ऑफिस में या फिर आवास में कभी कभी किसी से मिला, ज़्यादा मैं टाइम नहीं दे पाया आप लोगों से, ऐसे किसी पदाधिकारी को लोगों से मिलना चाहिए, लेकिन वो मेरे में एक कमी थी, मैं आप लोगों को ज़्यादा टाइम नहीं दे पाया। और आप लोग इतनी पढ़ाई कर रहे हैं ना, ऐसा ईमानदार वाला कुछ है नहीं मेरे में। ये देखिए ईमानदारी आपका परसेप्शन है, आप किस चीज़ को परसीव कर रहे हैं ईमानदारी के रूप में, आपको देख लें कि कार्य मैं करता हूँ, ठीक है कार्य करने के लिए आया हूँ, आदमी की एक जिम्मेवारी होती है परिवार, परिवार के प्रति मैं टाइम नहीं दे पाता हूँ, वहाँ पर मैं ईमानदार एकदम ही नहीं, है ना। तो किसी भी व्यक्ति को ये जज करके जज कर लेना कि यह बहुत ही बढ़िया व्यक्ति, ऐसा नहीं है, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं सभी जानते हैं, ठीक है सभी चीज़ को देखना चाहिए। फिर भी आप लोग जो पढ़ाई किए हैं मेरा कम से कम यहाँ घुस जाता था नीचे टेबल के नीचे जितना बोल के जाना था, ऐसा थैंक यू। मैं भी पहली बार देख रहा हूँ कि धनबाद से भी जब मैं आया था तो प्रेस के 1-2 ही लोग प्रेस मिलने आ रहे थे, स्पेशली दो जो साइबर कवर करते थे, बाकी तो सभी दूसरे ट्रेडिंग कवर करते थे। और जब मैं वहाँ से विदाई विदा हो रहा था तो फिर वो आए थे, इनफॉर्मली मिले थे, यहाँ पर आप लोग प्रेस क्लब जो ये आयोजन की है सम्मान देने के लिए, मैं उस सम्मान को सहर्ष स्वीकार करता हूँ, थैंक यू। और उम्मीद है कि जहाँ कहीं भी मैं जाऊँ आप लोगों की उम्मीदें पर मैं खड़ा होकर मैं उतरने की कोशिश करूँगा, ईमानदारी से अपना काम करूँगा, आप लोग जो अपेक्षाएँ मेरे से रखते हैं ऑफकोर्स वो सारी, थैंक यू।